दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, खास तौर से गॉल ब्लैडर स्टोन या जो पित्ताशय की स्टोन होती है उनको लेके। बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं और देखिए उनको जवाब सही मायने में जो मिलना चाहिए मुझे लगता है वो नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा से एक कन्फ्यूजन की एक कंडीशन रहती है। तो मैं आज उसी तरह के कुछ आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल जनरली लोग पूछते हैं कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण क्या होते हैं। कुछ मरीजों में तो बहुत सीवियर सिम्टम आते हैं तो उनको फटाफट अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लेते हैं और उनका इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या वो गैस की बीमारी से या गैस्ट्राइटिस से मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इग्नोर कर जाते हैं और तब तक या तो स्टोन बड़ा हो जाता है या इम्पैक्ट हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर में और जो कॉम्प्लिकेशन बना देता है। जो सिम्टम्स होते हैं, कई बार मरीज को यहाँ पर जलन महसूस होती है, यहाँ पर दर्द होता है, सेंट्रली एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द होता है और मोस्ट कॉमन जो दर्द होता है वो राइट साइड में दर्द होता है। दबाने पे मरीज के दर्द होगा और ये दर्द आपका यहाँ पे आ सकता है, कांधे की तरफ आ सकता है, कुछ लोगों को नीचे भी जाता है दर्द। उसके अलावा मरीज को कई बार नौजिया उल्टी का मन आता है, कई बार कुछ मरीजों को उल्टी भी आती है और कुछ मरीजों को उतना तेज दर्द होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है, ऐसे केस में वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। कन्फर्म कैसे करें? कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड ही है। और एक बार अगर आपको पता लग जाए कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो अब क्या करें, यही पे वो सवाल आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बिना ऑपरेशन के निकल सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। और इस कन्फ्यूजन की स्टेट में जो नुकसान होता है वो मरीज का होता है, आपका होता है। तो मैं उस सवाल को देखिए आपका एड्रेस करूंगा कि सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है। लोग तो यहाँ तक पूछते हैं कि मुझे 15 mm का स्टोन है तो क्या किसी दवाई से ये निकल सकता है? तो मैं आपके इस सवाल को देखिए ऐसे जवाब दूंगा, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोस हो गया हो, वो किसी भी साइज का हो, तो आपको सबसे पहले तो एक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी उनके टाइप के हिसाब से बिना दवाई के भी निकल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टोन है या जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप की बनी होती है, अगर आप दवाई खाना शुरू करेंगे तो सालों साल लग जाएंगे और नहीं पता कि घुलेंगी या नहीं घुलेंगी। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप दवाई के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको सिम्टम आते हैं, सिम्टम नहीं आते हैं तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं जो आपको तंग करते हैं तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप देर करते हैं तो आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस के लिए बुलावा दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि कई बार जो गॉल ब्लैडर स्टोन या तो चिपक जाती हैं और मल्टीपल स्टोन छोटी छोटी है तो गॉल ब्लैडर की कॉमन बाइल डक्ट में आ जाती है, वहां अगर आ जाती हैं तो फिर आपको पीलिया हो जाता है, फिर वहां पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और कई बार गॉल ब्लैडर के रप्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए अगर आप गॉल ब्लैडर को निकलवा देते हो तो कुछ दिन आपको लगता है कि चलो कोई दिक्कत परेशानी होगी, बाद में आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आप सीधे सीधे रास्ता लें, आपको सर्जरी करके इसको निकलवा देना चाहिए, किसी के चक्कर में ना पड़े, झांसे में ना आए। उसके अलावा जो सवाल आता है बहुत सारे मरीजों से कि भाई अब तो हमने गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल दिया, अभी भी दर्द हो रहा, अभी भी गैस बन रही, अब क्या करें? कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं सर्जरी के बाद। तो देखिए, ये कॉमन लक्षण है और ये सर्जरी के बाद आते ही है। आपको कुछ दिनों तक एडजस्ट होने में आपकी बॉडी को समय लगता है, क्योंकि अभी तो आपके गॉल ब्लैडर में जो बाइल था, जो पित्त बनता है, वो समय पे निकलता है। जब कुछ चिकना खाते तो वो निकलता था और हाथ में जाके अपना काम कर लेता था, उतना होता था। अब ये रेगुलर आ रहा है आपके हाथ में तो उससे थोड़ी एसिडिटी भी होती है और उससे कई बार आपको दस्त भी लग जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जो कुछ समय तक रहते हैं, फिर आपकी जो बॉडी है वह हैबिचुअल हो जाती है उसकी, और फिर आपका ब्रेन और बॉडी फिर एक दूसरे से इस तरीके से बात करने लगते हैं कि कुछ समय बाद, 4-6 महीने बाद, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं और ये लक्षण आपके आना बंद हो जाते हैं। शुरुआती हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो उसको आप ऐसे न लेके, अरे अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैंने ऑपरेशन करा लिया, मेरी हालत ख़राब हो गई है, और कॉम्प्लिकेशंस देखिए किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। ये भी सवाल आता है कि नहीं जी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे, कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्यों, तो एक इंजेक्शन और एक सुई लगाने का भी अगर किसी को रिएक्शन हो जाए तो नुकसान हो सकता है, बट हम सुई लगाते हैं। उसी तरीके से बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी करते थे, अब वो नहीं करते हैं लोग, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, छोटा सा चीरा लगता है, 2-3 छोटे छोटे चीरे लगते हैं, यूँ हल्के हल्के 5-5, 6-6 mm के, और आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है और आप हेल्दी लाइफ जीने लगते हैं। नहीं निकालने के बाद देखिए गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है।
जो लीवर के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ये बड़ा खतरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके जो कुछ बेसिक सवाल थे गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड मैं आपको आंसर कर पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। और आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।